स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आज हम स्टडी करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई व्हेन q इज इक्वल टू e की पावर ए एक्स इंटू वी। यानी पर्टिकुलर हमें इंटीग्रल फाइंड करना है e की पावर ए एक्स इंटू वी। वी क्या है? v इज ए फंक्शन ऑफ x, x का कोई भी फंक्शन है। फॉर्मूला इसका वन अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स इंटू वी। यानी जब पी आई हमें ऐसे फंक्शन का फाइंड करना हो जबकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, यानी मल्टीप्लाई हो रहा हो उनका, तब हम क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला e की पावर ax लिखते हैं और फंक्शन में जो रिप्लेस होता है d, वो d प्लस a इंटू बी। मान बोले एफ डी e की पावर ax इंटू बी। क्या करेंगे? e की पावर ax को पार करा के यहाँ लिखेंगे इंटू। तो जब हमने e की पावर x को पार कराया यहाँ, तो जो d है वो रिप्लेस हो जाएगा d प्लस a से। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? d प्लस a का इंटू वी। वी यहाँ साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, x या स्क्वायर हो सकते हैं उसके, स्क्वायर क्यूब, क्योंकि तीन फंक्शन के पी आई हमने फाइंड किए e की पावर ax, साइन ए एक्स, कॉस ए एक्स, या फिर x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, जो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से होते हैं। अब जो पी आई हम फाइंड कर रहे हैं वो इस टाइप का फंक्शन होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर डिपेंड। देखिए क्वेश्चन है सॉल्व डी प्लस वन का होल क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। तो प्रोसीजर वही कि ऑक्सिलरी इक्वेशन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन एम प्लस वन का होल क्यूब। क्या करते हैं? डी इज इक्वल टू एम, इसमें पुट करते हैं एम प्लस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो। राइट हैंड में कोई भी फंक्शन हो या फिर जीरो हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन की राइट हैंड जीरो ही होती है। यहाँ से हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एम की तीन वैल्यू होती हैं, यानी यहाँ पर एम की तीन वैल्यू होंगी माइनस वन, माइनस वन, क्योंकि तीन फैक्टर हैं एम प्लस वन, एम प्लस वन, एम प्लस वन, तीनों कैसे हैं? सेम। तो तीनों वैल्यू भी कैसे होंगी? सेम होंगी। तो कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट्स, ये हम कहें रिपीटेड रूट्स। इसके लिए हम सी एफ कैसे लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ई की पावर रूट जो भी है
माइनस वन एक्स। तीन रूट्स तीनों सेम, तो जो तीन कांस्टेंट हम लिखते हैं उसकी फॉर्म ऐसी होगी, सी वन फर्स्ट कांस्टेंट, सी टू सेकेंड कांस्टेंट के साथ एक्स की वन पावर, सी थ्री कांस्टेंट के साथ एक्स की टू पावर। अगर यह एक और माइनस वन होता तो सी फोर एक्स की पावर थ्री, ई की पावर माइनस वन इंटू एक्स, सी वन सी टू एक्स सी थ्री एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। वन अपॉन डी प्लस वन का होल क्यूब, जो हम लिखते हैं ना वन अपॉन एफ टी, वो एफ डी डी का फंक्शन होता है, एक्स स्क्वायर। पी आई हमें ऐसे फंक्शन की फाइंड करनी है जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, नहीं दो फंक्शन का गुणनफल की फॉर्म में हो। क्या करते हैं इसको, जो e की पावर पे e की पावर ए एक्स होती है उसको हम आके लिखते हैं, यानी इसका पी आई हो गया। तो पी आई करने में क्या चेंज होगा, d की जगह पर हम d प्लस ए लिखेंगे, a क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर रह गया, ई की पावर माइनस एक्स का पी आई हो गया। लेकिन इसका पी आई करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो डी है वो डी के प्लेस पर डी प्लस ए लिखते हैं। ए यहाँ पर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस वन, तो डी माइनस वन प्लस वन, वन ये वाला डी माइनस वन, ये चूँकि यह माइनस का इसलिए माइनस करना पड़ा। वैसे जो फॉर्मूला है वो है डी रिप्लेस डी प्लस ए, तो वन से वन कैंसिल, वन अपॉन डी क्यूब एक्स स्क्वायर। वन अपॉन डी मीन्स इंटीग्रल होता है, चूंकि थ्री पावर है इसलिए ट्रिपल इंटीग्रल होगा। वन बाई वन इंटीग्रल हम निकालते जाएंगे, तो दो इंटीग्रल, एक इंटीग्रल हटा दिया हमने, एक्स क्यूब अपॉन थ्री। अब की बार हमें एक्स क्यूब का करना है, ई की पावर माइनस एक्स, इंटीग्रल एक्स की पावर थ्री का होता है एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, और थ्री ऑलरेडी है, इसका फिर करना है e की पावर माइनस एक्स, इसका होता है एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव, और ये फोर इंटू थ्री, इसको सिंप्लीफाई करिए, सिक्सटी, ये हो गया पी आई। सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या, C1 वन प्लस सी टू एक्स सी थ्री एक्स स्क्वायर की पावर ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर फाइव ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन सिक्सटी, ये आंसर। देखिए एक क्वेश्चन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई ई की पावर एक्स डी स्क्वायर माइनस
1 केवल हम यहाँ पी आई करा रहे हैं, सी एफ आपको खुद करना है। डी स्क्वायर माइनस 1, तो हमें ऐसे फंक्शन की पी आई निकालनी है जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की फॉर्म का है, जिसमें हम क्या करते हैं जो ई की पावर का फंक्शन होता है उसको हम आगे लिखते हैं और डी रिप्लेस कर देते हैं डी प्लस 1, यानी डी प्लस ए, फार्मूला डी प्लस ए होता है। चूंकि यह ए 1 है, ई की पावर एक्स, एक्स का कोफिशेंट 1, इसलिए डी की प्लेस पर डी प्लस 1 लिखकर ई की पावर एक्स का पी आई हो जाता है कंप्लीट। क्योंकि दो फंक्शन हमें दोनों का करना है, पहले एक का, तो इसके लिए यही मेथड है। इसका होल स्क्वायर करिए, डी स्क्वायर प्लस 2D, फिर होगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 ये कैंसिल, तो हमने ये कैंसिल लिख दिया। कॉस के लिए क्या करते हैं, डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 हमने कैसे लिया, क्योंकि x का कोफिशियंट देखते हैं जो कि 1 है, 2d माइनस 1, इसको हमें स्क्वायर बनाना है, तो 2d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करिए, फिर डी स्क्वायर में हो जाएगा, टू डी प्लस 1 और मल्टीप्लाई हो गई इनकी 4d स्क्वायर माइनस 1। कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, यहाँ पर डी स्क्वायर फिर रिप्लेस होगा माइनस के 1 स्क्वायर से, 2d प्लस 1 4 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। इसकी कैलकुलेशन रही माइनस 4 माइनस का 5, 2d कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स यानी प्लस, कॉस की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया, ई की एक्स अपॉन माइनस का 5, डी मीन्स डिफरेंशियल, माइनस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पी आई सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस, सी एफ आपको खुद निकालना है, पी आई लिखना।